नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर अब स्टडी की वीडियो आएंगी नए सेशन के लिए 2021-22 के लिए। और अब हमें 2021-22 के लिए आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ मैं थोड़ी सी, क्योंकि सारे स्टेट न्यूज़ तो मैं एग्ज़ाम जानकारी पे देता हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं आज ऑफिस में आया हूँ अपने, बहुत दिन हो गए थे आए हुए। बड़ी गंदगी थी, सफाई करी है, स्टाफ तो आ नहीं रहा कोई भी, तो सफाई करने में काफ़ी टाइम लगा है, देख सकते हैं पूरा साफ़ कर दिया मैंने। और कुछ बच्चों को बुक्स भेजी हैं आज 3-4 शहरों में, जो मैंने फ़ोटो भी डाला था एक, और अब सारी बुक्स ख़त्म हो गई हैं। अब जैसे फंड का इंतजाम होगा और बुक्स भेजेंगे। जो बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अब मेरा नया जो नेक्स्ट मेरा मूव होगा स्टेट बोर्ड कैंसिल के बाद, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट बोर्ड तो कैंसिल कर चुके हैं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर सब कर देंगे, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी। तो जो CBSE के बच्चे हैं वो प्लीज़ हमारा साथ दें, आपका काम हो गया है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि स्टेट बोर्ड के बच्चों का आप साथ दें, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, बड़े भाई का एक आदेश भी है तुम्हारे। दूसरी अपडेट ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जो CBSE की पॉलिसी आएगी असेसमेंट की, उससे तो CBSE का एक बड़ा अपडेट अभी आया है जो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर CBSE ने दोहराया है कि जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने रिजल्ट से, वो उनको जब सारी कंडीशन ठीक हो जाएंगी कोविड की, तो उनको अलाउ किया जाएगा दोबारा से पेपर देने के लिए। एक ये अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको, मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप एग्ज़ाम देना चाहते हो और आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप भाई जब कंडीशन सही हो जाएंगी तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। अब बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा, भैया हमारा असेसमेंट पॉलिसी क्या होगी, कब आएगा ये ऑफिशियल, कब आएगा? तो CBSE से अभी जो मैंने चेक किया है उनकी वेबसाइट पर, या उन्होंने जो अपडेट्स दी हैं कुछ उनके ऑफिशियल्स ने ट्विटर के माध्यम से, तो मुझे पता चला है कि 2 हफ्ते के अंदर CBSE अपनी अपडेट्स देगी। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, 2 हफ्ते के अंदर आपकी मैं बता दूंगा कि किस तरह आपका रिजल्ट बनने वाला है। अच्छा, दो जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनको चांस मिलेगा दोबारा एग्जाम देने का जब सारी कंडीशन ठीक हो जाएंगी। तो ये अपडेट थी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आपकी अपडेट नहीं आती रिजल्ट की, आप पढ़ाई करते रहें, और अगर आपने नीट का और जेई का फॉर्म भरा है तो उसकी भी तैयारी करते रहें, क्योंकि दोस्तों नीट और जेई तो पोस्टपोन होंगे अभी, मैं बता दूँ आपको, जब तक एग्जाम होने के चांस, एक नई वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि बहुत से बच्चों ने मुझे कहा आज कि आपने एग्जाम कैंसिल क्यों करवाए, आप क्यों इस आंदोलन में लगे? क्योंकि शुरुआत तो मैंने ही करी थी इसकी, बाद में बहुत लोगों ने साथ दिया हमारा, आपको सबको पता होगी ये बात, जो पुराने बच्चे हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको, और मैं आपको आश्चर्य होगा कि शुरुआत में मैं इसके खिलाफ था कि एग्जाम कैंसिल हो, पर वो तब था जब कोरोना नहीं था। और मैं आपको, आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो शुरू में, जब बच्चे मुझे बोलते थे लाइव में कि सर एग्जाम कैंसिल करवा दो, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, अरे बोर्ड के एग्जाम कैंसिल करवा रहे हैं, वो भी 12th के। लेकिन वही अनुराग फिर बदल गया जब मैंने मौत होते देखी लोगों की, और चारों तरफ फैल गया कोरोना का हाहाकार। तो अगर आप पुराने बच्चे हो और आपने मेरी ऐसी वीडियो देखी हो या कमेंट्स पढ़े हो मेरे, जब आप मुझे बोलते थे कि कैंसिल करवा दीजिए और मना करता था, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपके बात पता है क्या। लेकिन दोस्तों, जब कोरोना खतरा मैंने देखा तब जाकर मैं इससे में लगा। तो जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पूरी यात्रा की, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है और क्या इसमें साजिशें हुई हमारे खिलाफ, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। और अब हमें एक बड़े लेवल पर काम करना है, तो सभी बच्चे साथ देते रहें। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कमेंट कर रहे थे, भैया हम ट्विटर छोड़ देंगे क्योंकि हमारा काम हो गया, ऐसा मत करिए, साथ जुड़े रहिए। अभी तो आप छोटे हो, 12वीं करी आपने, फिर आप आगे चलोगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कभी जॉब की दिक्कत, कभी कोई दिक्कत, तो इसको एक आंदोलन बनाना है, अपने अनुराग भाई को पकड़ के रखो, अब यही काम करना है। सुबह से मैं, देखिए कल वाली टी शर्ट पहन रखी है मैंने, सुबह से सफाई कर रहा हूँ, बच्चों को किताबें भेजी हैं आज, यहाँ पोस्ट ऑफिस पास में ही है तो कूरियर किया है जिन बच्चों के पास किताबें नहीं थी, और सफाई करने में अकेले ही करी है क्योंकि कोई स्टाफ तो है नहीं अभी, बहुत मेहनत लगी है उसमें। और मेरे बाल बाल आप देख सकते हो ऐसे ही पड़े, तो काम करिए लाइफ में, काम करिए बस, और घर पे रहिए अभी, और मम्मी पापा की थोड़ी हेल्प कर दिया करो। तो यही अपडेट देनी थी कि CBSE की इवोल्यूशन पॉलिसी 2 हफ्ते के अंदर जारी कर दी जाएगी ऑफिशियल, तो तब तक आप किसी भी फेक खबर पर या किसी फेक नोटिस पर ध्यान ना दें, और बिल्कुल अपडेट के लिए एग्जाम जानकारी और जो CBSE की बड़ी अपडेट है उसके लिए अनुराग दे क्लासेस। और एक बड़ी बात, CBSE का सिलेबस डिडक्शन, नेक्स्ट सिलेबस का, वो अब मैं उसमें लग जाऊंगा काम में, आपका सिलेबस डिडक्शन जरूर करवाएंगे, चिंता मत करिए, उसी पे लगना है। तो सारे बच्चे ट्विटर अकाउंट बना लो, अगर नहीं बनाया और मुझे फॉलो कर लो। इसके अलावा अब CBSE के नेक्स्ट सेशन की पढ़ाई हम करेंगे, क्योंकि बोर्ड को फोड़ सीरीज का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि बोर्ड को ही फोड़ दिया हमने, तो अब वो बोर्ड को फोड़ को सीरीज की एक ही वीडियो आई थी, उसके बाद बीमार हो गया तुम्हारा भाई और हॉस्पिटल जाना पड़ा उसको, 1 महीना 1.5 महीना लग गया उसमें। तो अब मैं उसको तो करूंगा नेक्स्ट सेशन में शुरू, जब 2022 के पेपर होंगे, 2022 के एग्जाम होंगे जब, तब मैं उसको सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा। उसमें एक ही वीडियो अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक की, कैपेसिटर की आने वाली थी पर वो आ ही नहीं पाई।
तो अगर अगले साल भी कोरोना रहा तो फिर एग्जाम कैंसिल करवाएंगे, तो फिर ये सीरीज आएगी 2023 के लिए। लेकिन अब मैं चैप्टर वाइज वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, चैप्टर वाइज 11th की भी 12th की भी। और केमिस्ट्री पढ़ाने का मन कर रहा, पता नहीं क्यों कर रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों की बात पता होगी, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर आप तो भी कुछ भी नहीं हो यूट्यूब पर और बड़े बड़े टीचर हैं, जैसे हम सबके प्रिय फिजिक्स वाला सर हैं, तो उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। खैर वो तो भाई बहुत बड़े, एक उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उनको तो बहुत सम्मान करता हूँ फिजिक्स वाला सर का मैं। लेकिन ये मत सोचिए कि जो लोग यूट्यूब पर हैं बस वही टीचर हैं। भाई कोई यूट्यूब पर था, हम यहाँ थे, अपने लगे रहे इसमें, किराए के कमरे शुरू किया था और ये पूरा आप लोगों के आशीर्वाद से कर लिया। तो मैं यूट्यूब पर लेट आया, बस 2020 में हमने शुरू किया जब लॉकडाउन लगा। तो अब मेहनत करूंगा और आप मेरा साथ दीजिए, लेक्चर आएंगे, धुआंधू लेक्चर आएंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे। लव यू ऑल, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।